जैसे कि हमको सबको जानकारी आई है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को हमने तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूर बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके पर कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पे जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हैं।